Hello students, now we start our remaining part of lesson number 2, the night the roof blew off. इससे पहले हमने we studied our in previous video that कि the writer Ruskin Bond facing a very having rainfall in his house, है ना, कि उनके घर पे बहुत तेज बारिश हो रही थी और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था और उनके जो रूम की जो रूफ थी वो क्या हो गई थी, उड़ गई थी. ओके और हमने पढ़ा था कि वो क्या कर रहे थे इन पहले वाले पैराग्राफ में, देखिए कि शू वी कंटिन्यू टू ट्रांसफर बुक्स पेपर्स एंड क्लोज टू द चिल्ड्रन रूम. तो ये बारिश आ गई थी सारी रूम में, तो वो क्या कर रहे थे, बुक्स को ट्रांसफर कर रहे थे बच्चों वाले रूम में. नाउ लेट अस वी स्टार्ट अवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. वी नोटिस दैट द वाटर ऑन द फ्लोर वॉज बिगनिंग टू सबसाइड ए लिटिल. अब क्या था, बारिश का जो पानी होता है ऊपर से आ रहा होता है तो वो क्या होता है, नीचे फ्लोर पे इकट्ठा हो जाता है, बट ऐसा नहीं हो रहा था. तो वी नोटिस दैट कि हमने नोटिस किया कि जो वाटर है ऑन द फ्लोर, जो उस पर जो वाटर है फर्श पर आ रहा है, वॉज बिगनिंग टू सबसाइड लिटिल, वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा लिटिल सबसाइड कम होना शुरू हो गया. तो वेयर इज इट गोइंग, कि कहाँ जा रहा है, आस्क डॉली फॉर वी कुड सी नो आउटलेट. तो डॉली ने उससे पूछा कि ये कहाँ जा रहा है, क्यों, क्योंकि वो वी कुड सी नो आउटलेट, क्योंकि उन्हें कहीं भी कोई भी बाहर निकलने का तो कोई नाली या कोई भी ड्रेनेज सिस्टम जो है वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी कि वो पानी कहाँ जा रहा है. आउटलेट होता है बाहर निकासी का जो द्वार होता है ना, निकासी निकलने के लिए कोई चीज़, जैसे पानी निकलना उसके लिए, तो उसके लिए वो उसमें देखते हैं कि कोई भी नज़र नहीं आ रहा है. थ्रू द फ्लोर सेड मुकेश डाउन टू द रूम्स बिलो. मुकेश ने कहा थ्रू द फ्लोर्स के जरिए ये जा रहा है डाउन टू द रूम्स बिलो, नीचे के रूम में. ही वॉज राइट टू, वो बिल्कुल सही था. क्राइस ऑफ कंसंट्रेशन, कि वो बहुत चिंता के साथ में, बहुत बेचैनी के साथ में वो चिल्लाए. फ्रॉम अवर नेबर्स टोल्ड अस, कि फ्रॉम अवर नेबर्स, हमारे जो नेबर्स हैं उनको बताना चाहिए कि दैट दे वर नाउ हैविंग देयर शेयर ऑफ द फ्लड, कि अभी वो भी फ्लड को का जो पानी है वो मतलब वो शेयर करेंगे, यानी कि अब जो ऊपर का पानी है वो सारा नीचे जा रहा था. अवर फीट वर फ्रीजिंग बिकॉज देयर हैड नॉट बीन टाइम टू पुट ऑन एनफ प्रोटेक्टिव फुट वियर. एंड इन एनी केस शूज एंड स्लीपर्स वर नाउ अवॉश, कि जो हमारे जो फीट थे, फिर पैर जो थे उनके, वो क्या हो गए थे, ठंड के कारण फ्रीज हो गए थे. क्यों, क्योंकि उनके पास कोई भी टाइम नहीं था कोई भी प्रोटेक्टिव फुटवेयर पहनने का. एंड इन एनी केस, और किसी केस में जो शूज़ और स्लीपर्स है वो भी क्या है, बह जाते हैं ना, पानी के साथ बह जाते हैं ना हम लोगों के कभी जब आता है, लेकिन बट उनको टाइम नहीं मिला था. टेबल्स एंड चेयर्स वर आल्सो पाइल्ड हाई विद बुक्स, जो टेबल्स और चेयर्स हैं वर आल्सो पाइल्ड, वो ढेर लगा हुआ था बुक्स का टेबल्स और चेयर पर, यानी कि देयर इज नो प्लेस टू सिटिंग देयर, सिटिंग इन बोथ पेरेंट्स, है ना. आई हैड नॉट रियलाइज द कंसिडरेबल साइज ऑफ माई लाइब्रेरी अंटिल दैट नाइट. अब वो कहता है, राइटर कहता है, उसके पास में बुक इतनी सारी थी, इतनी ज़्यादा बुक का ढेर लगा हुआ था, क्योंकि जब वो लाइब्रेरी में रखी रहती थी ना, तो राइटर ने उसको कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि उसकी उसकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी है. तो क्या, आई हैड नॉट रियलाइज, मैंने अभी तक महसूस नहीं किया था, नहीं सोचा था कि मेरी जो लाइब्रेरी का साइज इस रात्रि से पहले. द अवेलेबल बेड्स वर पुस्ड इन टू द ड्राइस्ट कॉर्नर ऑफ द चिल्ड्रंस रूम एंड दे आर हडल्ड इन ब्लैंकेट्स एंड क्वेल्ट्स. वी स्पेंड द रिमेनिंग आवर्स ऑफ द नाइट वाइल द स्टॉर्म कंटिन्यू टू थ्रेटन फर्दर मेहम. तो क्या है, जो बेड्स वो अवेलेबल थे वर पुस्ड इन टू द ड्राइस्ट कॉर्नर, वो बिल्कुल ड्राइस्ट कॉर्नर थे ऑफ द चिल्ड्रन रूम, बच्चों के, यानी कि बच्चों के रूम में सबसे सूखा कॉर्नर कौन था, उनके बिस्तर थे, और उन पर भी हडल ढेर लगा हुआ था ब्लैंकेट्स का और रजाइयों का. वी हमने जो ज़्यादातर वी स्पेंड द रिमेनिंग आवर्स, कि हमने जो बात के जो आवर्स हैं वो बिताए ऑफ द नाइट रात्रि के, जब वाइल द स्टॉर्म कंटिन्यूड, जबकि जो स्टॉर्म था उसने हमें धमकी लेना देना लगातार जारी रखा फर्दर मेहम का, यानी कि और डिसऑर्डर, मेहम का मतलब था डिस्टर्ब और कैओस, यानी कि बहुत जो उथल पुथल होने वाली है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि स्टॉर्म दोबारा आ सकता था, ऐसी थ्रेट धमकी वो हमको दे रहे थे, ऐसे धमकी सी हमें महसूस हो रही थी. बट देन द विंड फेल एंड इट बिगेन टू स्नो, तभी एकदम से जो हवा है वो फैल हो गई, एंड इट बिगेन टू स्नो, और जो क्या है, बर्फ गिरनी स्टार्ट हो गई. थ्रू द डोर टू द सिटिंग रूम आई कुड सी स्नो फ्लैक्स ड्रिफ्टिंग थ्रू द गैप्स इन द सीलिंग
setting on picture frames, statues and miscellaneous ornaments. कि through the door, कि दरवाजे के जरिए भी टू द सिटिंग रूम आई कुड, मैं देख सकता था जो स्नो फ्लैक्स है, यानी कि जो स्नो के बड़े बड़े जो फ्लैक्स हैं वो गिर रहे थे एक गैप से, यानी कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर, है ना. और इन द कहा सीलिंग पर, सेटिंग इन पिक्चर फ्रेम्स, यानी कि जो पिक्चर फ्रेम है ना, सेटलिंग ऑन पिक्चर फ्रेम्स, यानी कि सेटलिंग पे पिक्चर फ्रेम्स की, स्टैचूज पर, और जो मिसलेनियस और जो मिले जुले जो ऑर्नामेंट्स थे उन पर वो बर्फ गिर रही थी. मंडन थिंग्स लाइक ए ग्लू बॉटल एंड प्लास्टिक डॉल टुक ऑन ए सर्टेन ब्यूटी वैन कवर्ड विद सॉफ्ट स्नो. मंडन थिंग्स होता है जो ऑर्डिनरी थिंग्स, यानी कि जो साधारण चीज़ें थी, जैसे कि ग्लू की बॉटल हुई, प्लास्टिक की डॉल हुई, वो अपनी सुंदरता और बढ़ा रही थी जब वो बर्फ से ढक गई. कि कवर्ड विद सॉफ्ट स्नो, कि जब उसको सॉफ्ट स्नो से ढक लिया तो वो क्या हुआ बेटा, उसमें वो उसकी सुंदरता और बढ़ रही थी. द क्लॉक ऑन द वॉल हैड स्टॉप्ड एंड विद इट्स कवरिंग ऑफ स्नो रिमाइंडेड मी ऑफ ए पेंटिंग बाय साल्वाडोर डाली. कि द क्लॉक ऑन द वॉल, कि जो दरवाजे की जो दीवार थी वो क्या हो गई थी, वो भी रुक गई थी. सॉरी दरवाजे की नहीं, सॉरी बेटा, द क्लॉक ऑन द वॉल, यानी कि दीवार पे जो क्लॉक थी, घड़ी थी, हैड स्टॉप, वो भी रुक गई थी. एंड विद इट्स कवरिंग ऑफ स्नो रिमाइंडेड मी, यानी कि इसकी जो स्नो की कवरिंग थी वो मुझे याद दिला रही थी एक पेंटिंग की, जो किसकी, साल्वाडोर डाली की. ये क्या है बेटा, एक फेमस स्पेनिश आर्टिस्ट है जो पेंटेड बनाता था कि है ना अनयूजल थिंग्स की, अनयूजल या अनयूजल जो इमेजेस होती थी ना, अनयूजल, वैसी उसकी जो पेंटिंग बनाता था उसके तरह से. एंड माई, अब इसमें देखिए कि अब इसमें तो देखिए कि एंड माई शेविंग ब्रश लुक्ड रेडी फॉर यूज, और जो मेरा शेविंग ब्रश था वो भी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो भी तैयार है यूज़ करने के लिए. क्यों, क्योंकि उसके जो ब्रशेस थे, उसके जो ब्रश थे, उस पर क्या हो गया था, वाइट वाइट स्नो जम गया था. तो अब जब हम यूज़ करते हैं तो वही चीज़ होता है ना कि मोस्ट ऑफ अस डोज्ड ऑफ, तो क्या है कि जो हम में से ज़्यादातर थे वो झपके ले रहे थे. आई सेंस दैट द डायरेक्शन ऑफ द विंड हैड चेंज एंड दैट इट वॉज नाउ ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट. मैंने ये महसूस किया, मैंने सेंस लगाया कि जो डायरेक्शन है ऑफ द विंड, कि विंड की जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई, चेंज हो गई है. एंड दैट इट वॉज नाउ ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट, अब ये वेस्ट की ओर बह रही है. इट वॉज मेकिंग ए रशिंग साउंड इन द ट्रीज रादर देन इन वॉट रिमेन ऑफ अवर रूम. तो क्या ये एक रशिंग साउंड कर रही थी ट्रीज की, यानी कि अब पेड़ों की तरफ बह रही थी उनके उसकी छत की बजाय, यानी कि देन इन वॉट रिमेन ऑफ अवर रूफ, यानी कि अब क्या बचेगा हमारी रूफ में. द क्लाउड्स वर स्करिंग अवे, जो क्लाउड्स थे वो भी स्करिंग हो गए थे, यानी कि इधर उधर हो गए थे. वेन डॉन ब्रेक वी फाउंड द विंडो पेन्स इन क्रस्टेड विद स्नो एंड आइसलेस. कि वैन, कि जब सुबह हुई तो हमने पाया जो विंडो पेन्स थे वो इनक्रस्टेड थे, इनक्रस्टेड मीन्स कवर्ड थे, किससे, बर्फ से एंड आइसिस से. आइसिस होता है बेटा बर्फ की जो लटकती हुई जो चट्टानें होती है ना, कभी कभी बर्फ की जो चट्टानें सी पतली पतली सी लेयर सी चटक सी चट्टानें सी टाइप से हो जाती है उसको बोलते हैं. तो ऐसा विंडो पेन्स पे हो गया था, यानी कि बर्फ जमी हुई थी. देन द राइजिंग सन स्ट्रक, तभी उगता हुआ सूरज आया, है ना, कि देन द राइजिंग सन स्ट्रक, तभी सूरज उग गया, स्ट्रक हुआ. थ्रो द गैप्स इन द सीलिंग एंड टर्न एवरीथिंग टू गोल्ड, है ना, कि थ्रो द गैप्स इन द सीलिंग, यानी कि कुछ गैप्स पर सीलिंग के एंड टर्न एवरीथिंग टू गोल्ड, और सब कुछ गोल्ड की तरीके से हो गया, इनकी सूरज की जो सुनहरी रोशनी उस पर पड़ी तो सब कुछ गोल्ड की तरह से हो गया. स्नो क्रिस्टल्स ग्लिंटेड लाइक डायमंड्स ऑन द एम्प्टी बुक शेल्व्स. और जो धूप के कारण थे बेटा, धूप के कारण जो क्रिस्टल्स थे वो चमक रहे थे एक डायमंड की तरह से ऑन द एम्प्टी बुक शेल्फ, जो खाली बुक शेल्फ थी उन पर क्या थे बेटा, वो डायमंड की तरह से चमक रहे थे. आई क्रैप इनटू माय अबंडेंट बेडरूम टू फाइंड द फिलोडेंड्रम लुकिंग लाइक ए क्रिसमस ट्री. अब जो उनका जो पेड़ था ना फिलोडेंड्रम का, था ना कि एक ट्रॉपिकल इंडोर प्लांट जो था, जो वो कि आई क्रैप इनटू माय अबंडेंट बेडरूम, मैं अपने छोड़े हुए बेडरूम में गया ये देखने के लिए कि उनका जो आउटडोर जो इंडोर प्लांट है वो कैसा लग रहा था. वो कैसा लग रहा था, बर्फ के कारण वो एक क्रिसमस ट्री की तरह से लग रहा था. प्रेम वेंट आउट टू फाइंड ए कारपेंटर एंड ए टीन स्मिथ. प्रेम जो उनके बच्चों का पिता था वो कहाँ गया, एक कारपेंटर को ढूंढने के लिए और एक टीन स्मिथ को. टीन स्मिथ यानी कि जो घर की जो टीन वगैरह
उड़ गई थी रूफ की, टीन कार जिसको बोलते हैं ना, टीन लगाने वाला, टीन मरने वाला, टीन इसमें, तो उसको उसको लेने के लिए वो गए। वाइल द रेस्ट ऑफ अस स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स इन द सन टू ड्राई आउट, और जबकि हम सब बाकी हमने क्या किया, अपनी चीज़ों को सूरज की रोशनी में रखना शुरू कर दिया उसको सुखाने। गॉट मच ऑफ द रूफ ऑन अगेन, कि उस दिन शाम को कि हमें ऑफ द रूफ ऑन अगेन, कि हमें दोबारा छत महसूस हुई। वैकेंट हाउसेज आर इम्पॉसिबल टू फाइंड इन मसूरी, क्यों, क्योंकि खाली जो घर है वो मिलना मुश्किल होता है मसूरी में। सो देर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ मूविंग, तो वहाँ से मूविंग होने का तो कोई, यानी कि दूसरे घर में शिफ्ट होने का इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी कि नो क्वेश्चन। बट इट इज़ ए मच इम्प्रूव रूफ नाउ, लेकिन ये क्या है कि मच इम्प्रूव रूफ हो गई थी, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, इसको बहुत ज़्यादा रिपेयर कर लिया गया था। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू द अप्रोचिंग विंटर विद सम कॉन्फिडेंस, और मैं देखने लगा आने वाले विंटर को विद सम कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस के साथ में। ओके, दिस लेसन इज कम्प्लीट, आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर इन आवर नेक्स्ट टर्म। ओके, थैंक यू।